बावजीराज और अजबदे बाईसा को उनके कक्ष में पहुंचा दिया। बहुत अच्छे चक्रपाणी मिश्र, आप ही अजबदे बाईसा और बावजीराज प्रताप को यहां से सुरक्षित लेकर राजी के पास उदयपुर जाएंगे। संपूर्ण राजपुताने की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं हम आपको। तनिक सी चूक घातक सिद्ध हो सकती है। अजबदे और कुंवर प्रताप को अपनी बैलगाड़ी में दुर्ग से बाहर लेकर जाएंगे आप। चेतक को हम आज ही रात सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे। कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ साका होगा। हम सभी लोग दुर्ग के मुख्य द्वार पर उपस्थित होंगे। साका के लिए द्वार खोला जाएगा। सैनिक टुकड़ियों के पीछे आप अपनी बैलगाड़ी को लेकर चलेंगे। जैसे ही हम अंतिम युद्ध साका के लिए आगे बढ़ेंगे, आप अपनी बैलगाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता वहां से आगे बढ़ाएंगे और जब हम मुगलों के आमने सामने होंगे, तब तक आपकी गाड़ी उत्तर दिशा वाले पेड़ों के झुरमुट के पीछे पहुंच चुकी होंगी। आप लोगों की मुगल सैनिकों से सुरक्षा के लिए लखोटा द्वार की प्राचीर पर हम कुछ धनुर्धारी सैनिक तैनात रखेंगे ताकि आप वहां तक सुरक्षित पहुंच सकें। जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो चेतक भी आपको वहां पर मिल जाएगा। वहां से आप जंगल की तरफ बढ़ जाएंगे। चक्रपाणी उसके बाद कोई भी आपका पीछा नहीं करेगा और कुंवर प्रताप और अजबदे को पूरी सुरक्षा के साथ आप उदयपुर पहुंचा देंगे। चक्रपाणी, अब हमारे कुंवर प्रताप और अजबदे चीजा का जीवन केवल आपके हाथ में है। ध्यान रखिएगा उनका। हम कुछ नहीं होने देंगे पत्ता। जय एकलिंग जी। 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 होता यदि हम आपको अपने पुत्र के पास टोंक में ही छोड़ देते। कम से कम आप ये सब तो नहीं देखती। ये क्या कह रहे हैं आप? हमें तो गर्व है कि इस समय यहां दुर्ग में हम आपके साथ हैं। आपके हाथों का बनाया हुआ चूरमा बहुत याद आ रहा है। हम जानते थे, इसलिए आपके लिए चूरमा बनवा कर रख दिया है। चलिए, हमारे सैनिकों को अगर कुछ देर के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तो कोई बात नहीं, हम अपनी पत्नी का बनाया हुआ चूरमा खा के जाएंगे युद्ध करने। भगवान आपको शक्ति दे अपने शत्रुओं से लड़ने की।
हमें इस बात का खेद है कि पिछले कुछ दिनों से हम आपको समय नहीं दे पा रहे। झूठ मत बोलिए, दुर्ग की दीवार से अपने शत्रुओं से लड़ने में आपको अधिक आनंद आता है। उस समय तो आपको किसी की भी याद नहीं आती। ऐसी बात नहीं, कभी कभी याद आती है जब बहुत भूख लगती है। आपकी आंखों में जो साहस हम देख रहे हैं, हमें अत्यधिक बल मिल रहा है उससे, जिस बल की हमें बहुत आवश्यकता है युद्ध में। हम चौहान हैं, जो कुछ भी सीखा है हमने वो आपसे ही सीखा है। कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति में हम चौहानों की आंखें नम नहीं होती। हमें पता है इस समय आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को याद कर रहे हैं ना। जब से मेड़ता में मुगलों के साथ व्यवधान हुआ है हमारा, हम यहां आ गए चित्तौड़ के दुर्ग में। तब से आज तक कभी भी हमारी हमारे पुत्र से भेंट नहीं हुई। चिंतित है ना जाने किस परिस्थिति में होगा वो। आप चिंता मत करिए, वो हल्दी घाटी में बिल्कुल सुरक्षित है। मुगल वहां पहुंच भी नहीं सकते। और देखिएगा, जल्द ही वो कुंवर प्रताप के नेतृत्व में सेना में भर्ती होंगे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। प्रधान सेनापति की पत्नी की आंखों में अश्रु शोभा नहीं देते। मत भूलिए कि आप ही को नेतृत्व करना है समस्त स्त्रियों का अग्नि कुंड की ओर जौहर के लिए। ये आंसू तो एक पत्नी के, एक माँ के हैं, परंतु प्रधान सेनापति की पत्नी की भूमिका में हम बहुत दृढ़ हैं। हम जौहर जौहर तैयार हैं। हमें विश्वास है आप पर रानी साहब। कुछ अंतिम पल बचे हैं हमारे पास, और इन अंतिम पलों में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। ईश्वर ने आपको आपको हमारा पति बनाया है, और हमारी इच्छा यही है कि हर जन्म में आप ही को हमारा पति बनाए। अदलसा भाई जी, आप जानती हैं, जो पति पत्नी जिए साथ साथ मरे साथ साथ, और मृत्यु भी कैसी, मातृभूमि के लिए, उन पति पत्नी को इससे बड़ी मुक्ति मिल ही नहीं सकती। ये हमारे लिए बहुत बहुत सम्मान और गर्व की बात है। देखिएगा, युद्ध में भी हम सदा आपके साथ रहेंगे, छाया बनके। मदलसा भाई जी, यदि रणभूमि में हमें कुछ हो गया तो हमारे उन अंतिम क्षणों में हमारी दृष्टि मात्र आपको ही ढूंढेगी। हम जानते हैं आपको कुछ नहीं हो सकता। अब आप जाइए दुर्ग में, क्योंकि इस समय इस दुर्ग में जितनी भी स्त्रियां उपस्थित हैं उनके लिए आप ही प्रेरणा स्रोत हैं। और तो और, हमारे प्रधान सेनापति जयमल जी की पत्नी भी आपसे ही साहस और प्रेरणा की अपेक्षा रखेंगे। इसलिए दुर्ग में जाइए और
और जी भर के प्रोत्साहन दीजिए, उनकी ऊर्जा बढ़ाइए। एक छत्राणी का धर्म और कर्तव्य होता है कि वो अपनी मातृभूमि के लिए एक वीर को जन्म दे, देश के लिए एक योद्धा बनाए और उसे सदा महान बनने की प्रेरणा दे। पर ईश्वर की कृपा से आपने महान बनने की सारी प्रेरणा पूर्ण की है। आज मुझसे अधिक प्रसन्न और कौन हो सकता है? मैंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो आज मेरे सामने अपनी वीरता और शौर्य का ऐसा इतिहास गढ़ने जा रहा है जिसे सहस्त्रों वर्षों तक याद रखेगा यह संसार। क्या हुआ माँ, किसकी प्रतीक्षा कर रही है? मैं जाने में विलंब हो रहा है। इन वस्त्रों में माँ, मातृभूमि की बलि वेदी पर शौर्य का बलिदान देने का सुख सिर्फ तुम लोग लोगे क्या? हम में से जो छत्रानियां तलवार चलाना जानती हैं, वो भी आज मुगलों के विरुद्ध इस ऐतिहासिक युद्ध में अपनी तलवार का जौहर दिखाएंगी। माँ, हमें ये तो पता था कि आप तलवार चलाना भली भांति जानती हैं, किंतु आपने हमें कभी नहीं बताया कि आप भी तलवार चलाना जानती हैं। मैंने कभी इतना समय दिया ही नहीं। अब माँ, केवल आप दोनों ही लड़ेंगी? और कौन है आपके साथ? हम इतने तो हैं कि एक मोर्चा संभाल सके। जब तक हम हैं, मुगल इस दुर्ग में नहीं आ सकते। क्या बात है, आपको हमारी चिंता हो रही है? हम हमारे गौरव और मान की रक्षा करना जानते हैं। तुम इसकी चिंता मत करो, इसके साथ मैं हूं। मैं पूर्ण विश्वास है आप पर जीवा, और आपके शौर्य पर गर्व भी है। हमारी ये तलवार सदैव हमारा साथ देते आई है, आपका भी देंगे। हम सम्मान पूर्वक ये तलवार आपको सौंपते हैं जीवा। जय एकलिंग जी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी इस तलवार की गरिमा हम बनाए रखेंगे। हम जिस मोर्चे पर खड़े होंगे, वहां से किसी भी मुगल को मेवाड़ में प्रवेश नहीं करने देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी बलि ही क्यों ना देनी पड़े। जीवा, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसी पत्नी प्राप्त हो। जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी। अपना कर्तव्य निभाएं और आप सब अपना कर्तव्य निभाएं। हमें गर्व गर्व कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आज हम सब अपने प्राण निछावर करने जा रहे हैं।
से कैसी? पता नहीं हुजूर। जयमल जी, आज निर्णायक युद्ध हमें आपके नेतृत्व में लड़ना है। इस अंतिम समय पर आपका कोई विशेष निर्देश? रावत जी, ये बात तो हम आपसे पूछना चाहते थे। आप इस दुर्ग के सबसे महत्वपूर्ण और अनुभवी अंग हैं। हमारे लिए कोई विशेष दिशा निर्देश, कोई परामर्श? हमारा बस एक ही परामर्श है, हम सब मिलकर जितना भी हो सके मुगल सैनिकों को मारें और अपनी अंतिम श्वास तक मुगलों को हमारे दुर्ग के भीतर नहीं घुसने देना है, क्योंकि हमारे दुर्ग के भीतर हमारे भोले भाले 30,000 नागरिक हैं, और ये क्रूर मुगल यदि हमारे दुर्ग के भीतर प्रवेश कर गए, ये हमारे नागरिकों को छोड़ेंगे नहीं, और इसलिए हमें अपने जीवन के अंतिम श्वास तक अपने सभी नागरिकों को, अपने साथियों की और अपने अपनों की हर मूल्य पर रक्षा करनी है। पिछले 4 महीनों से इन मुगलों ने दुर्ग को घेर रखा है, इस सोच के साथ किसे जीत कर इन्हें क्या कुछ नहीं मिल जाएगा यहां से, लेकिन इनकी सोच के विपरीत मुगलों का ऐसा हाल करेंगे इनकी आत्मा तक कांप उठेगी और खून की नदियां आगरा तक जाएंगी। अवश्य ही सरदार जी, अब जब आपने बोल ही दिया है तो मुगलों के रक्त की नदियां तो आगरा तक ही जाएंगी। एक भी मुगल जीवित बचकर जाने नहीं पाएगा। मातृभूमि की सगन। सरदार जी, गोडिया सांडा जी, आप लखोटा द्वार की रक्षा करेंगे अपनी टुकड़ी के साथ। वीर पत्ता, आप चित्तौड़ी द्वार की सुरक्षा करेंगे अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ। हम और कल्ला पदन पोल द्वार की सुरक्षा करेंगे अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ, और मुगल सैनिकों को तुर्क के भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे। रावत जी, आप इस दुर्ग के भूगोल से भरी भांति परिचित हैं। आप जानते हैं कि सूरज पोल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण द्वार है, इसलिए आप स्वयं उसकी रक्षा करेंगे अपनी टुकड़ी के साथ। यदि आपको एक और टुकड़ी की आवश्यकता है तो हम कल्ला को आपके साथ भेज देते हैं। तब तक हम रावत चुंडावत जीवित हैं, क्रूर मुगल हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। और वैसे भी राज राणा सूरतन सिंह जी हैं हमारे साथ। अकल्ला और उसकी टुकड़ी को यहाँ पदन पोल में अपने साथ ही रखिए, क्योंकि वो क्रूर अकबर यहाँ पदन पोल पर ही आक्रमण करेगा। योद्धाओं, अब हम सभी को अपने अपने मोर्चे संभालने के लिए निकलना है। अखंड अखंड चंडी के, प्रचंड चंड चंडी के, तू खंड खंड कर हरी, हो जाए जोश से भरी। जय एकलिंग जी, 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 जय एकलिंग जी। जो दिन आ ही गया, जो तारीख में लिखी जाएगी, आज चित्तौड़ हमारा होगा, हमारा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।